हेलो फ्रेंड्स, आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ VLCC का एंटी टैन फेशियल किट का। इसका मैं डेमो दिखाऊंगी और साथ साथ ही रिव्यू भी दूंगी। ये किस तरह का फेशियल है, ये डी टैन फेशियल है। ये 5 फेशियल का पैक है, ये करीब 290 रुपीज़ का पैक है। इसमें 5 फेशियल आते हैं और बहुत ही इजी है इसे लगाना और काफ़ी अच्छा इसका इफ़ेक्ट होता है। मैं इसको डेमो आपको दूंगी आज। मैं यहाँ पे सारे प्रोसीजर लिखा हुआ है किस तरीके से आपको फेशियल करना है, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में लिखा हुआ है, तो कोई भी इसे इजीली यूज़ कर सकता है, बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर सारे स्टेप दिए हुए हैं, यहाँ पर 5 स्टेप हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहला जो स्टेप है वो ले रही हूँ, ये है ओट मील स्क्रब। ये स्क्रब है तो पहले हम इसे कट कर लेते हैं, तो देखते हैं ये कैसा है। तो ये एक पाउडर की फॉर्म में है, ओट मील यानी कि ये ओट्स से बना हुआ है, ओट्स का पाउडर है। इसमें मैं पानी मिला रही हूँ, आप चाहे तो इसमें गुलाब जल मिला सकते हैं। तो सबसे पहले हम फेस पे स्क्रब करेंगे इससे। तो इससे क्या होता है कि काफ़ी अच्छा इफेक्ट आता है, जो आपके जितने भी डेड स्किन होगी वो सारी निकल जाएगी। इसे अच्छे से मसाज करें और अगर आप चाहें तो इसमें गुलाब जल मिला सकते हैं, उससे और अच्छा रिजल्ट आएगा। मैं यहाँ पर पानी का यूज़ कर रही हूँ। तो कम से कम 5 मिनट तक आप इसे स्क्रब करें अच्छे से, ताकि जितनी भी टैनिंग है वो अच्छे से निकल जाए आपकी। तो काफ़ी अच्छे से रब करें इसे, और जितने भी आपके मसाज है वो ऊपर की साइड होनी चाहिए, नीचे की साइड कभी भी मसाज ना करें, ऊपर की साइड करें। और जहाँ पे भी वाइट हेड या ब्लैक हेड नोज़ एरिया है या चिन एरिया है, जहाँ पे ब्लैक हेड होते हैं, वाइट हेड होते हैं, वहाँ पे आपको ज़्यादा स्क्रब करना है। और जहाँ पे आपको लगे टैनिंग ज़्यादा है वहाँ पे ज़्यादा स्क्रब करें। और थोड़ा सा मैं यहाँ पर ज़्यादा ताकत लगा रही हूँ, ताकि जितनी भी डेड स्किन है, डेड सेल है, वो सारे निकल जाए। तो 5 मिनट तक आपको इसे स्क्रब करना है। तो 5 मिनट करीब हो चुके हैं मुझे इसे करते हुए। तो देखिए इस तरीके से अच्छे से इसकी मसाज करें, इससे क्या होता है आपका फेशियल भी हो रहा है साथ साथ, और आपकी डी टैनिंग यानी कि टैन भी हटेगा साथ साथ। तो मैं एक यहाँ पे स्पॉन्ज ले रही हूँ, गीला करके इसे मैंने निचोड़ लिया है, और इसे इससे हम इसे क्लीन कर देंगे। आप चाहे तो कॉटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कपड़े में को पानी में अच्छे से भिगोकर उसे निचोड़कर फिर अच्छे से पोंछ लें। अगर आप पार्लर जाते हैं तो एक बार डी टैनिंग कराने के आपके 1000 रुपये कम से कम छोटे से छोटे पार्लर में लग जाते हैं। यहाँ पे जो सेकंड स्टेप है वो मेला वाइट जेल है, तो इसे भी खोल के देख लेते हैं ये कैसा है। तो इस जो फेशियल की कॉस्ट है वो 290 रुपीज़ है, जिसमें आपको 5 फेशियल मिल रहे हैं, तो ये बहुत ही सस्ता पड़ता है। और इसका जो रिव्यू है मैं आपको दिखाऊंगी किस कितना फ़र्क पड़ा है फेशियल करने पे। तो ये एक जेल की फॉर्म में है, जो सेकंड है वो मेला वाइट जेल है इसका नाम, और ये एक जेल की फॉर्म में है। इसे हमें 10 मिनट तक इसकी मसाज करनी है, जैसे हम फेशियल करते हैं घर पर, इस तरीके से इसकी मसाज करनी है। कम से कम 10 मिनट ज़रूर करें, ताकि जो जेल है वो अच्छे से स्किन के अंदर चला जाए और जितनी भी टैनिंग है वो अच्छे से निकल जाए, आपका जितनी भी डेड स्किन है वो सारी निकल जाए, आपका फेस बिल्कुल स्मूथ हो जाए, क्लियर हो जाए, आपके जितने भी ब्लैक हो गया है टैनिंग की वजह से स्किन, वो सारा ठीक हो जाए। तो अच्छे से कम 10 मिनट इसकी मसाज करें, और जितने भी मसाज है वो अपवर्ड स्ट्रोक्स लेने हैं आपको, ऊपर की साइड करने हैं। तो ये देखिए इस तरीके से आप जो फेशियल स्टेप्स होते हैं वो कर सकते हैं। तो ये प्रेशर पॉइंट से जो मैं दबा रही हूँ, इस तरीके से आप अपने हाथ से ये फेशियल कर सकते हैं। बहुत ही सस्ता पड़ता है घर पे और काफ़ी इफ़ेक्टिव है। तो ये मैंने सेकेंड स्टेप भी कर लिया, इसे भी मैं साफ कर देती हूँ। तो इस तरीके से हम स्पॉन्ज को गीला करके अच्छे से निचोड़ लेंगे और फिर इस तरीके से पोंछ लेंगे। अगर आप बाथरूम में हो तो आप पानी से धो भी सकते हैं। थर्ड स्टेप है मेला वाइट पाउडर, ये एक पाउडर की फॉर्म में है, तो इसे भी हम निकाल लेते हैं। तो ये देखिए ये एक पाउडर है, आप चाहे तो कोई बाउल ले सकते हैं। मैं यहाँ इसे हाथ में लेके यूज़ करके दिखा रही हूँ, आप इसे बाउल में भी मिक्स कर सकते हैं। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी मिलाया है, आप चाहे तो गुलाब जल मिला सकते हैं।
तो इसे भी हम अच्छे से मसाज करेंगे, कम से कम 5 मिनट के लिए ज़रूर करें। और जहाँ भी आपको टैनिंग लग रही है आप वहाँ पे कर सकते हैं, नेक पे लग रही है, हाथों पे लग रही है हाथों पे कर सकते हैं, फेस पे लग रही है, जहाँ भी आपको टैनिंग हो रही है आप वहाँ पे इसे मसाज कर सकते हैं, फेशियल कर सकते हैं। आपकी टैनिंग काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी बहुत ही कम पैसों में। आपको बहुत ज़्यादा पैसे पार्लर जाके खर्च करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये इतना अच्छा फेशियल है, मैंने खुद यूज़ किया है और इसीलिए आपको रिकमेंड कर रही हूँ। बहुत ही बढ़िया इफ़ेक्टिव फेशियल है, तो आपके सामने मैं डेमो करके दिखा रही हूँ, रिज़ल्ट आपके सामने आएगा। तो ये देखिए 5 मिनट करीब हो चुके हैं इसे मसाज करते हुए मुझे, तो इसे भी मैं क्लीन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने रूम में बैठी हूँ इसलिए मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। आप इसे बाथरूम में करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आप वहाँ पे फेस धो सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा पोंछना पड़ रहा है इसे बार बार। अब जो फोर्थ लेने वाले हैं वो है पिस्ता मसाज क्रीम, जिसमें पिस्ता है और ये एक क्रीम फॉर्म में है, तो इसे हम निकाल लेते हैं। तो ये देखिए मैंने क्रीम निकाल ली है, इसे हम हाथ में निकाल के देखते हैं। ये देखिए ग्रीन कलर की है, इसका नाम है पिस्ता मसाज क्रीम। तो इसे हम कम से कम 10 मिनट के लिए, अगर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास तो 5 मिनट के लिए कम से कम ज़रूर करें। तो इसे इस तरीके से मसाज करेंगे अपवर्ड्स डायरेक्शन में, तो क्या होता है नीचे के तरफ अप करेंगे तो आपके झुर्रियाँ आ जाएंगी, इसलिए हमेशा जब भी आप फेशियल करें तो ऊपर की डायरेक्शन में करें। इससे आपकी झुर्रियाँ नहीं आती हैं, आपकी जो स्किन है वो टाइट रहती है, बहुत ही बढ़िया स्किन रहती है। तो ये देखिए मुझे इसमें ऐसे मसाज करते हुए कम से कम 7-8 मिनट हो चुके हैं, तो 5 मिनट कम से कम हर स्टेप को ज़रूर दें, इससे कम ना दें, तो इससे क्या होगा बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। तो मैं इसे क्लीन कर लेती हूँ। तो मैंने ये भी स्टेप कंप्लीट कर लिया है, अब मैं लास्ट फिफ्थ स्टेप करूँगी। तो इसे हम अच्छे से पोंछ लेते हैं। फिफ्थ स्टेप है इसका मेला वाइट पैक, ये लास्ट में जो फेशियल में हमेशा पैक होता है, तो ये एक पैक है, इसे हमें कम से कम 15-20 मिनट के लिए अप्लाई करना है जब तक ये बिल्कुल सूख ना जाए। तो इसे मैं लगा लेती हूँ, देख लेते हैं कैसा है। ये देखिए इस तरह का है कुछ ये। तो इसे हम एक मोटी सी लेयर लगाएंगे पूरे फेस पे, जहाँ भी आपने फेशियल किया है पूरे पे लगाना है आपको। तो इस तरीके से मैं उंगली से लगा लूंगी पूरे फेस पे और नेक पे। तो इस तरीके से अच्छे से एक मोटी सी लेयर लगाएं। आप चाहे तो पूरे नेक पे भी ये फेशियल कर सकते हैं, अगर आपकी नेक काली है, गर्दन काली हो गई है, हाथ काले हो गए हैं, तो आप वहाँ पे भी ये फेशियल यूज़ कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ फीमेल करें, ये मेल के लिए भी है। तो ये देखिए जो मेरा पैक है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है, अब मैं एक मॉइस्ट स्पॉन्ज से इसे पोंछ लूँगी। मैंने स्पॉन्ज को अच्छे से निचोड़ लिया है पानी में भिगोकर, और इसे इस तरीके से हम साफ़ कर लेंगे। तो इसे अच्छे से मैं साफ कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे चेहरे पे कितना फर्क पड़ा है। तो ये मैंने 5 स्टेप कंप्लीट कर लिए हैं, तो मैं फेस क्लीन करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने फेस क्लीन कर लिया है, और ये देखिए आप देख सकते हैं, मैं आपको पास से दिखा रही हूँ कितना ज़्यादा फर्क पड़ा है, और बिल्कुल आप देख सकते हैं मेरी स्किन में एक ग्लो आ गया है, और आपको टैनिंग कहीं से भी नहीं नज़र आ रही होगी, काफ़ी साफ हो गया है मेरा फेस। तो आप पहले की फ़ोटो में और अब के में कंपेयर कर सकते हैं कितना ज़्यादा डिफरेंस है।